पुलिस की झड़प हमेशा होती है। आपको बता दो कि भाई ये मोर साहब बंगों से परेशान है, कब नहीं करता पुलिस का, कब नहीं करा तुम्हारा बताओ भाई, कब किसकी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हमेशा हुई है। चलो वो मेरे को बोलेगा तेरे डेटो कितनी उगा, तो वो मेरे को बोलेगा। समाज के लोग जो हैं, नहीं नहीं सर मेरी माँ की कसम है, सरकार प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कितना बड़ा चौधरी हो, उसी दौरान जो बात खट को एक पुलिस वाला बाहर भी अंदर भी, मैं खुद बोलते हो नहीं, गाड़ियां दी है ऐसे चढ़ा, पहले तो थप्पड़ मारा उसने, फिर उसने गाड़ी पहले तो गाड़ी बकी इस तरह मेरा मुंह पकड़ के अपनी आप में गाड़ी है, उसके बाद मेरे भीतर जाते थप्पड़ मारे, फिर मैंने गुस्सा आया, गुस्सा आते फिर भीतर का फिर कुड़िया छुप गया, फिर ये दो चार भाइयों ने मेरे को छुड़ाया है, मैं खुद मौके पर था, जाते इसको गाड़ियां दी है, मतलब सर हदों की कमी है। आप भी तो लोग हैं, आप भी तो भाई हैं, आपके साथ कभी बदतमी से बात करता हूँ, छोटा सा कॉन्स्टेबल हो उससे भी बदतमी से बात करता हूँ भाई, खुद ही भाई बताओ बदतमी से मैंने कभी बात ही नहीं करी, मैं इतने बेचारे वो चार पांच पुलिस वालों ने घेरा बनाया अंदर, वो मेरे पास में बैठे हैं कुछ लोग, उन्होंने सोचा कि भाई इसको ज्यादा ना मार दे, और जैसे ही प्रदर्शन कर उन्होंने खुद ने सोचा कि इसको ज्यादा ना मार दे, धरने पर बैठे लोगों को मुदौरी का भी नाम ले सकते थे, एक बंदा क्यों नाम लेने लग रहे हैं, जब एक फाजिल का नाम ले रहे हैं, एक का ही नाम ले रहे हैं, किसी का नाम, बाकी सारे पुलिस वाले ने हमें कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, मान सम्मान किया, इनफैक्ट हमें बड़ा थाने में जाने के बाद भी थोड़ा पैसा मान सम्मान किया हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस एक व्यक्ति ने दूसरे भाई को भी हमारा अनिल भाई उसको भी ऐसे कोड़ियां मारी, उसने ऐसे कैसे कोड़ियां मारी, मोर मेरे भाई पहले तोड़ लगी हुई है, कपड़ों कांड में लगी थी, हड्डी टूट गई थी मेरी, लेकिन मैं फिर भी पुलिस का केस नहीं आया, होता है वो बेचारा परेशान होकर मर जाता है, मैं करता हूं ये गुंडे बदमाश इसी तरह से जो है तरीकों का शोषण करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं, सर जैसे चढ़ा ना एक थप्पड़ तो वहीं से दिख जाएगा, मेरे भाई को दिखा था एक थप्पड़ तो वहीं कुमार से दिख जाएगा, उसके बाद अंदर मैंने कहा मार क्यों आया, फिर उसको आया गुस्सा, और फिर शेयर करते भाई दबा के शेयर करें ताकि पवन भाई को नहीं मिल सके, मेरे जमीर पर चोट पहुंचाई, थप्पड़ मार लेता घुसड़ मार लेता, लेकिन गाड़ी किस तरह बकरा है वो इतनी उकाती उसकी, सर उसकी पुलिस की वर्दी पहन के वो इतना भूल गया कि आम जनमानस का हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूरे हरियाणा में काम करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मार देगा, चलो मार भी दे, मैं मारने की भी अगेंस्ट हूँ, गाड़ी कैसे पक देगा सर, जमीन तो सर मेरा भी होगा, बस के बाहर भी सर बाहर मैं जैसे उसने मेरा मुंह पकड़ा था वीडियो मार, और उसने मेरा जो गमछे का ना उसने इतनी बदतमीजी से उसने अपमान किया भाई, हर ऐसे कर आप ही बंदे के साथ बैठे हैं भाई, आप देखते हैं हाँ हाँ बिल्कुल एक थप्पड़ से थप्पड़ दिख गया, दोबारा थप्पड़ दिख गया, मुझे मार रहा है सर, मेरे को ही अंदर गया, मैं पहला व्यक्ति मैं हिंदू अंदर लेकर गया, उसके बाद दूसरा कोई नहीं, इसी ने मारा मेरे को थप्पड़, और फिर इसी ने मेरे को मार गया, मुझे अंदर भी फिर अंदर होने वाली है, बस मैं जान लेना, और दूसरा सर गमछे का देखो मेरे पर जय भी लिखा हुआ है, इस गमछे का देखो कितना अपमान करता हुआ जा रहा है, ये बारे में लिखा हुआ है गमछे मैं जय भी पाँव में आया भाजी
लेकिन आप वो सारी पुलिस बैठी किसी ने कोई दिक्कत नहीं, धक्का मुक्की होती सर पुलिस में 200% होती है, किसी की दिक्कत नहीं है। उसी को पता नहीं सर क्या क्रांति जागी मेरा, उसी ने बोला गल पकड़ के बाहर आते मैं सारे बैठे हैं, मैं गाड़ी तो क्या दूं सर, मैं आप अकेले बैठे हो बता दूं क्या बोला, बहन के डैश डैश जो हमारी फेमस गाड़ी है, बहन के ले डैश डैश ये कोई दिक्कत नहीं, सारे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गाड़ी देखो पूरे पाँव में गंभीर।